चुना जाएगा और मैन ऑफ द मैच और ये जी बिल्कुल और इसी के साथ ये मैच का समाप्ति का फुल टाइम मिसिल और इस साल 2023 के सीजन में कहीं ना कहीं यहाँ हार को 2 लाख तक का चेक और सीरीज तो सार दो 1.5 लाख तक का और सांसु कहते हैं मैच ना पुरस्कार का ना यहां से जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो 2 लाख रुपया के प्राइज के हकदार बनेंगे और एक विनर ट्रॉफी से उसको सम्मानित किया जाना है। जो भी टीम रनर अप रहेंगे उसको 1,50,000 और रनर अप ट्रॉफी उनको दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ से दोनों टीम्स बहुत ही दिग्गज टीम है और खास करके राजमहल टीम का जो सफर है एक से एक दिग्गज टीमों को हरा करके आज यहाँ फाइनल में अपना जगह को सुनिश्चित किए हुए हैं। इस मैच का जो परिणाम होगा हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी भी ये मैच प्रारंभ हुई है। इस मैच के मुख्य रेफरी झंटू दास सर, सहयोगी रेफरी में AR1 में सुमन दास, AR2 में अनिल टुडू सर और फोर्थ ऑफिशियल मंच पर जो हम रेफरियों को देख रहे हैं जिनके लीडरशिप में यहां पर ग्राउंड इस टूर्नामेंट में जो रेफरी टीम आई है हमारे किसानू दत्ता सर, साथ ही साथ हमारे उपेंद्र सरकार सर, जग्गा मुर्मू सर, ये सभी रेफरियों को, ये सभी ऑफिशियल टीम्स को हम और एक बार इस टूर्नामेंट के अंतिम घड़ी में और एक बार हम तीनों कमेंटेटर्स की ओर से, मैं खुद सुशील कुमार, साथ ही साथ मेरे सहयोगी मंगल और मार्शल की ओर से, इस क्लब की ओर से, राज स्टार स्पोर्टिंग क्लब कसीला की ओर से, मैं सभी ऑफिशियल टीम्स को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इतने सुंदर जजमेंट के लिए, इतना बेहतर इनका जजमेंट हर एक मैच में बिना पक्षपात किए हुए यहाँ समान दृष्टिकोण से हर एक टीम को देखते हुए यहाँ इनका जो डिसीजन रहा है और आज इनके नेतृत्व में, इनके अगुवाई में, इनके देखरेख में हर एक मैच को इतना सुचारू ढंग से संचालित करते हुए आज लगभग संपन्न होने के कड़ी पर ला करके पहुंचाया है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल जाएगा हमारे ऑफिशियल टीम का। मैंने शुरू दिन ही कहा एक टूर्नामेंट को जितना भी बड़ा टूर्नामेंट क्यों ना आयोजित हो, कमेटी टूर्नामेंट को आयोजित करता है लेकिन उसको सफल बनाने का जो काम करते हैं वो है रेफरी। और रेफरी का बहुत बड़ा रोल होता है एक टूर्नामेंट को सफल करने में, सफल करने में। इसलिए जितना इनको तारीफ किया जाए हमारे रेफरी के लिए, सबको बयां किया जाए उतना कम होगा। साथ ही साथ मैं आखिरी समय पर पूरे यूट्यूबर्स परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके वजह से आज केवल कसीला का ग्राउंड ही नहीं, संथाल परगना के अंतर्गत जहां भी टूर्नामेंट होता है, आज सोशल मीडिया का जमाना है और ये सबसे बड़ा हथियार है किसी भी जगह को फेमस करने के लिए, किसी भी शख्स को फेमस करने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए। सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जो कि एक एक शख्स को, एक एक आदमी को एक दिन में उसकी पॉपुलरिटी जो है बढ़ा देती है, उसका पहचान दुनिया को दिखा देती है कि अक्सर इस शख्स में क्या खासियत है कि इसका इतना ज्यादा डिमांड रहता है, इसका इतना ज्यादा मांग है, या यहाँ का टूर्नामेंट इतना ज्यादा फेमस और पॉपुलर क्यों है। तो निश्चित रूप से अभी के समय में यूट्यूबर्सों का बहुत बड़ा रोल है, चाहे रेफरी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कमेंटेटर हो, हर लोग जो है अगर अभी फेमस होते हैं तो निश्चित रूप से इसमें यूट्यूबर्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा PBC स्पोर्ट्स महेशपुर, एड स्पोर्ट्स नरेश जी को, सोले स्पोर्ट्स सोले जी को, SP फुटबॉल ब्लॉगर से प्रेम जी को और फुटबॉल लवर से मानवेल जी को और जितने भी इर्द गिर्द हमारे यूट्यूबर्स, जितने भी हमारे
टेक्निकल स्टाफ जो यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं, सबों को इस परिवार की ओर से, इस क्लब की ओर से आप सबों को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि पिछले दिन से लगातार आज दिन तक यहां का हर एक मैच को कवरेज करके आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आज उसी का रीजन है कि आज कसिला में पिछले दिन से आज दर्शकों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यूट्यूब में देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं फाइनल में ये टीम चढ़े हैं। निश्चित रूप से फाइनल के दिन हमें इस मैच को देखने जाना है, क्योंकि आज घर बैठे बैठे लोग पता कर लेते हैं कि आखिर करके कसिला में फाइनल में कौन पहुंचे हैं। हमेशा ग्रुप में कमेंट करते हैं कि कौन कितना गोल से जीता, वो भी किसने गोल किया, कौन कौन खिलाड़ी किस टीम से खेल रहे हैं, आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। ये है सोशल मीडिया का पावर। और निश्चित रूप से तीन उनका दबा मैच को जेले का उनका दो ग्रुप ए को उनका दो फाइनल को गतिक का उनको टीम दो एफसी इलाहाबाद का नाम कोई दो हरियाणा और सासों के थे ससांग रोग ना जर्सी रूप जेले को ग्रुप बी को दो कोई दो फाइनल को रुका उनका उनको टीम दो एफसी मोहन बगान राज महल लेकिन पेपे को मजबूत सी भराव के तीन वा फाइनल लेकिन सेटर रखना तो पेपे अटका दरिया अनुमान लगा दरिया पे तीन लेकिन कुरुमुटु के दा तना मसकत कते तना मेहनत कते नुआ ठेर किन सेटर कना इंते 16 गुटे टीम मुख को लेकिन बढ़िया टीम जब नोटे किन सेटर कना तो लेकिन उनका मीठे कुकुत है कना उना पुरो लगे लेकिन तना मुश्किल तीनों होकर चुनौती लेकिन समझ रहे ना जो तो गुटाना परों के देता ना लोटों के देते ही वो एक इन तरह महा के दार तीन लेकिन होगा प्रयास करना होगा क्रुम्पु करना उन्हें हमें लगे अगु का दार तीन हमें फैलने लेकिन गति करना इलाहाबाद टीम राउंड एफसी मुर्मू ब्रदर साहब आ मुर्मू ब्रदर टीम दो मी गोल थे हराव ले दिया अडवा गोल दो गोल लेदा कोई दो इलाहाबाद टीम से कोई अति तगड़ा खिलाड़ी बोल ये लेकर कोई दो स्ट्राइकर जोड़ रहे कोई दो गति का जर्सी नंबर 11 रहे इमानुएल दो खिलाड़ी गोल लेदा ए तो हो राउंड रहे अब गोल बहुत दो लोग की उनको क्वार्टर रिकॉर्ड का मिला क्वार्टर राउंड रहे जब उनको को गति जपाम ना एफसी लुखी पहाड़ी साउ तो नुआ मैच रदो पे गोल थे एफसी इलाहाबाद टीम को जीतो ना और सभी फाइनल रे अगुआ जगह को बना ले तुआ नुआ टीम एक तह कना इसको एंटे उनारे मीठे गोल दो बाबू चना तह कना पहिल दो इलाहाबाद के को गोल चुनना बेन का नुआ बात कते लगातार पिया गोल ना और 3-1 ते उना मैच को जीतो ना इलाहाबाद की हमारे गोल तह कना पहला गोल दो एलो से मुको दो डायरेक्ट पेनल्टी को जान लगा गति कलम रे होना डायरेक्ट पेनल्टी माध्यम से मैच बराबर रे इधर गते उका लगातार बढ़िया गोल ना उका दो रुबीलाल मीटे 5 नंबर रे कोई दो गति का डिफेंस लाइन पर दोई मिता में फॉरवर्ड रे चला गते उंडे गोल टू उका था यार सासु गते तेसार गोल दो हेलो और जी का ये आपने सही चीज यहाँ पर उजागर किया हम सभी के समक्ष सुशील कुमार था लेकिन इसी के बीच में एक बेहतर मौका यहाँ से बन रहा था जिस तरीके से राजमहल टीम काउंटर अटैक के लिए निकल गए थे लेकिन उस तरीके का बैकअप वहाँ पर या सही फिनिशिंग नहीं बन पाने की वजह से गेंद वहाँ पर बाहर हुई है। यहाँ से सबसे पहले इस टूर्नामेंट इस एनुअल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 राज स्टार स्पोर्टिंग क्लब काशीला पाकुड़ इस टूर्नामेंट के जितने भी सदस्यगण हैं सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस टूर्नामेंट के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में रामजीत मरांडी जी, मैं उनको भी दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ सचिव प्राण मरांडी जी, सुनील तुरी जी, कोषाध्यक्ष में सुशील सरन जी और लाल मरांडी जी, लाल जबकि ये मेरे छोटे भाई के समान है, हम दोनों की मुलाकात यहाँ पाकुर कॉलेज हॉस्टल में हुआ है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और कोषाध्यक्ष सचिव के रूप में भूटन सरन जी, लाल बाबू बड़ैया और इस गांव के ग्राम प्रधान हमारे सम्मानित जोर मरांडी जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ इस क्लब के सभी बुद्धिजीवीगण, सभी सलाहकार और टूर्नामेंट के सभी छोटे बड़े सदस्यों को मैं उनको दिल से मैं उनको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ इस बेहतर आयोजन के लिए, क्योंकि एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना, आयोजन करना ये एक साधारण बात नहीं है, क्योंकि तीन तीन दिन इस टूर्नामेंट को सफल संचालन करना और ग्राउंड का जो रूपरेखा, साथ ही साथ ग्राउंड का डेकोरेशन और सभी चीज आप जो देख पा रहे हैं, सारा चीज जो देखने को आप सभी मिल रही है, इन सभी क्लब के सदस्यों का प्रयास, दिन रात मेहनत करके ये सारा चीज हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है, हम सभी को निमंत्रण दिए ताकि हम सभी इस टूर्नामेंट में शरीक हो और इस मैच का आनंद लें। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के सभी ये होगा कालीन हस्ता, क्या गजब का मौका बनाए थे, 18 मिनट 15 सेकंड के अंदर कालीन हस्ता इस मैच का यहाँ पर एक लकी खिलाड़ी साबित होते हुए राम जी हस्ता फिर संपर्क करते आप यहाँ टीम पर सुनिश्चित दड़िया नवा टूर्नामेंट ना गति 3-8 तारीख को हो हजुम करना है फेब्रुवरी महनर 16 17 और 18 फेब्रुवरी 2024 रे नवा टूर्नामेंट को हजुआ ऐसा 2024 ना का दो प्राइज बनी करना देश दो बना आप पहिल प्राइज दो 10 लाख टका बना दूसरा प्राइज बना 8 लाख और सेमीफाइनल रे हरा बकान टीम दो की नियामक 3-3 लाख टका कहते अदो जहां की टीम रे मैनेजर को बना पिया इच्छुक मैनेजर को बना पिया अबे आदिवासी एफएन गांवता क्लब गोपालपुर रे प्रेसिडेंट रामजी हंसता के संपर्क करते आप या टीम पे सुनिश्चित दरिया आनोटी डटू टूर्नामेंट का और नेसा 2024 रे बड़ी तगड़ा उठे हो मुकाबला हुआ और द्वारना द्वारना एंट्री फीस तो जस्ती तो बांग मात्र 49,999 टका बना डोडेना एंट्री फीस मात्र 49,999 टका बना प्राइज 10 लाख 8 लाख और 3 लाख थे मनुतान बोर्ड रूप से आबुरे मनुतान जागेश्वर मरांडी जी नेतभे अतिथि मंच पर बांग येलो करा दो नहीं थे आम थे और नेहर तहना कम से कम अतिथि मंच रे आम हो से करो तो गुण में अब अतिथि मंच रे स्वागत बना बजे कितना अब तो नुआ टूर्नामेंट प्रति आड़ी लगिया पड़ा तहना से नुआ टूर्नामेंट लगी उका दो इंडिविजुअल प्राइज को करना उनी स्पॉन्सर करना अब तो नहीं थे आम थे और नेहर तहना जागेश्वर जी आनुआ अतिथि मंच रे आम से करो तो गुण में आम स्वागत बना तो दोनों को यहाँ कुछ समय लगे मीठे प्लेयर से इंजन मचाओ कर थोड़ा कने बजाओ कर और ये साउ सुन गए थे कि नवा हुआ साउ सुन गए थे नवा टूर्नामेंट रे चला बनाओ अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय उकाद अध्यक्ष महोदय रंजीत मरांडी जी मनोज सोरेन जी सचिव रे में मरन मरांडी जी सुनील तोरी जी दो सदस्य रे बनाया सुशील सोरेन जी लाल मरांडी जी उप सचिव रे गोड़न सोरेन जी लाल बाबू बढ़िया जी जबकि नवा कसलातुर बजी बाबा बुरन जॉन मरांडी जी आठवीरा मरांडी जी बुकु कुआ यूरे सलाम बुकु कमिटी सदस्य कमिटी मेंबर को बुकु कुआ का
प्रयास का कुरुमटू दुआ टूर्नामेंट कोरा लगी थे कहीं ना कहीं अधिगम तीन थोर अधिगम भार अधिगम उनका ना बैठक को कोराओ का सिनेस अब उतना रे दुआ का मेहनत ना उनका आपको मेहनत का उन्हें अब उनको नियल चुका बना चाहे नियल कर प्लास मनी हो चाहे नियल कर वह ग्राउंड ना साइज सप्ला हो से चाहे नियल कर ने कमेंट कमी ट्रेन बुला कुआ का ड्रेस हो तो प्रत्येक ये रन वह फुटबॉल ना का स्टैंडर्ड करा ये सब छोरे नहीं बेहतर Kita yang dengarkan, kita itu kita kedekatan yang dengar lepas pada pulgi, tinggi trees, pada t-shirt koroka, pada orang tiada orang kena Raj Star Sporting Club kecila, lupa tu meeting, ekta kena. Ada Todenku committee, senodenku aturan, kita tu cila banau, banau tu admin sahabat, lupa ekta. Sasa kita kita desa bocor ini mau jar ma melaku ka kali kala nazar her ma tournament ku sesa pelau ka lagi teh di kun bangal soren sasa kita Dede Marcel na sasa kita nomor tournament re ugada mukshi komentator Dede Susil Kumar sir ale pene komentator sekon fitri untur mane kon sai sai malu jual le chal pekana ape sanat ka bikin member ku setina do chala bana mono dan ku तो नहीं थे तीन चल का सेनवा टूर्नामेंट ना इतना दिन कुछ चल का भैया सहयोग और सपोर्ट ले जाम का तो उनका की अने आज ले दोया जीता सिना प्रोग्राम लगी हो जब और ना प्रोग्राम कुछ चले तो का आज दिन का ये फाइनल मुकाबला और एक सूर्य के बढ़त को ले लिए हैं कहीं ना कहीं यहाँ एक सी हवाब के लिए वही आया मना लिया त्रिदेश फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइजेशन बाय राज स्टार स्पोर्टिंग क्लब कैसिला पाकुर झारखंड लाइपना थैंक यू वेरी मच टर्न अप लाइपना टू ऑल द फुटबॉल लवर्स ऑन द लास्ट डे सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मिस्टर मार्शल हसना वेलकम टू दिस माइक्रोफोन Hello. Yes, thank you very much, Bangal Bro. And first of all, I would like to thank all our dignitaries of this tournament who are present on this stage. I give them a lot of thanks for coming here to visit us because we know that our dignitaries have so busy schedules and I give them thanks to separate a triumph for us to visit us. It's a great gift for us. That is why many, many thanks to all our dignitaries who have been present on this stage. As well as today, the audience, those who have come here in this tournament, each and every one of you, once again, we give a lot of thanks. I give a lot of thanks to everyone on behalf of Raj Star Sporting Club Kashila Pakur in this tournament because of from the very first day, from the beginning of this day, you have been participating in this match, you have been helping us and for your presentation, for your support and for your love, we give many, many thanks to each and everyone, those who are present over today on this tournament around this ground. The teams we just seeing, first of all, I would like to let you know that it is grand final match. The teams we just seeing in yellow color jersey, they are the player of FC Allahabad Pakur. Playing from east side and from west side in this second half match, the team which is attacking west side to eastern side, they are the player Pazhinikul. And Umesh on what in the team run here tonight? Marcel Chidajay, Nodan Yelkhan, Kada, Quarter, Mesh,
और यहां 2 मिनट का इंजरी टाइम यहां डेट टाइम को ऐड किया गया है इस मुकाबले में। और पर्सन ने यहां जिस प्रकार से उमेश का जो प्रयास रहा है, जो दो-दो बार जो ट्राइबेकर हुआ था क्वार्टर और सेमीफाइनल में, और उस क्वार्टर और सेमीफाइनल में अच्छा इन्हें योगदान दिया अपने टीम के लिए, और इनके एक सुंदर सेव और सुंदर प्रदर्शन के साथ यहां अपना टीम को कहने के फाइनल तक का सफर को तय कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उमेश का। और जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि इमानुएल के बारे में, तो यहां इमानुएल का टोटल चार गोल हो चुका है, और इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें तो टोटल और टोटल यहाँ 19वां गोल हो चुका है। आप समझ सकते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट में 19वां गोल होना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी यहाँ अगर हम देखें इस टूर्नामेंट में, तो यहाँ इमानुएल विदेशी मुल्क के खिलाड़ी बार्सिलोना। हेलो जी हाँ, सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी इमानुएल विदेशी मूल के खिलाड़ी 11 नंबर में। इस पूरे टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने प्रत्येक मैच में एक एक गोल दागा है, लेकिन वहां पर काउंटर टेक ले परिमोन मरांडी बाकी वहां पर बना रहे थे। परिमोन बड़ा ही खतरनाक खिलाड़ी है, परिमोन को आप रोकिए नहीं तो वो गोल दागने के लिए काफी मशहूर है, काफी मेहनती खिलाड़ी है, लेकिन अभी उस तरीके का बैकअप वहां पर नहीं मिल पाया था, उसके वजह से शॉट यहां पर नहीं जा पाई। और मगर यहां पर मैं बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट में या पूरे टूर्नामेंट में जो भी खिलाड़ी सबसे अच्छा खेलेंगे, यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज के रूप में एक हीरो साइकिल दिया जाएगा, क्योंकि वहां आप देख सकते हैं मंच के सामने शायद वो साइकिल है, हीरो रेंजर साइकिल, और मैन ऑफ द मैच में भी एक हीरो रेंजर साइकिल रखा गया है, यानी दो दो साइकिल यहां पर रखा गया है, और एक है बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो मैन ऑफ द सीरीज के रूप में है जिसको चुना जाएगा, और मैन ऑफ द मैच। और ये जी बिल्कुल, और इसी के साथ ये मैच का समाप्ति का फुल टाइम मिसिल, और इस साल 2023 के सीजन में